दर्शक बंधु भारत रे आपण जहाकु भी पचारिबे नेपाल सह भारतर संपर्क केमिति समस्ते कहिबे अति उत्तम। किंतु एही समान प्रश्न जदि आपण नेपाल रे जणे नेपाली लोक को पचारिबे ताहले से द्विधारे पड़िबो। कारण हला संप्रति नेपाल रो विगत 10-12 वर्ष रे जेऊ माने प्रशासन रो मुख्य प्रधानमंत्री हुवंतु राष्ट्रपति हुवंतु इमाने जेऊ माने शासन गादी रे बसिचंती सेमाने बारंबार भारत सह विश्वासघातकता करुथुबा दृष्टिकोणरु हठात नेपाल तरफरु कहाजाई पारिबो नाही जे सेमाने भारत सह उत्तम संपर्क रखिचंती। सबुबेळे विपद पड़िले भारतर साहाज्य मागुथुबा एवं साहाज्य मिलिला परे चीन को जाई मुंड बिकि देउथुबा नेपाली प्रधानमंत्री हुवंतु बा प्रशासन अधिकारी माने हुवंतु एबे एमिति एक नीति निष्पत्ति नेइचंती जहा नेपाल रो भविष्यत जेकोनसी मुहूर्त रे श्रीलंका भळी हेजिबार संभावना को एडै देहिउ नाही। चीन रो रणनीति सीधा सळक समस्त जानिचंती। प्रथमे ऋण दियाजिबो एवं एही मात्रा रे ऋण दियाजिबो कि एही ऋण को नेइथिबा देश परिशोध ही करि पारिबो नाही। फळ रे सेही देशर अनेक अंचल को कब्जा करि नपो चीन। एमिति चीन रो डेथ ट्रैप रे अधिकांश देश एवं आमे जानिथिबा दृष्टांत मानंक मध्यरु श्रीलंका हेउची गोटे। तथापि श्रीलंका सरकार सह चीन रो जेउ भली भाबरे संपर्क एथि पूर्वरु रहितला एहा सत्य मध्य बड़ विपत्तिरु श्रीलंका को उद्धार करिबा पई भारत सरकार ही साहाज्य करथिले। समान अनुभूति नेपाल सह। नेपाल अनेक एमिति घटना घटेइची जहाकु भारत संभवतः बाध्य होई विश्वास करुची एवं अनेक गुड़िए नकारात्मक पदक्षेप सत्वे मध्य नेपाल को विपद रे भारत साहाज्य करी आसिची। एवं एही भली एक स्थिति रे वर्तमान जदि देखा जाए एक बड़ भाई रो भूमिका भारत निर्वाह करुथुवा भले भारत को पछरु चोट पकेला भली घटना दुईटी घटना एबे सामना को आसिची। एवं मोटामोटी एही घटनार जणा पडुची कि एहा पछरे रहिची चीन रो रणनीति बेजिंग निष्पत्ति रे नेपाल कार्य करुथुवार प्राय एक प्रकार रो अनुभव एही घटना को देखिले जणा पड़े। प्रथम घटना या कि वर्तमान भारत एवं नेपाल सीमारे सरकार एक नियम लागू करिचंती कि जेकोनसी सामग्री जदि भारत रु नेपाल को गला ताहले एठारे टैक्स आदाय हबो जहाको आमे एक्साइज टैक्स बोली कहू। एवं सबुठ बड़ कथा एठारे जेमिति बाहर विमान बंदर को आसिले कस्टम विभाग यार धरपकड़ करिथाय टैक्स असूल करिथाय सेमिति एबे कस्टम विभाग रो अधिकारी माने 100 टंकारु ऊर्ध मूल्य रो जेकोनसी सामग्री जदि भारत रु नेपाल को जाए ताहले एही अनुजाई टैक्स दवा को पड़िबो एवं एहाकु प्रशासन मध्य स्वीकृति देइछि। एथिरे उभयंक क्षति क्षति या जेउ भारतीय व्यवसायी माने बिना द्विधारे निजर सामग्री को नेपाल को पठाउथिले एवं एठारे जेउ दरदाम रे बिक्री होथला एहा स्वाभाविक थिला। वर्तमान जदि व्यवसायी माने टैक्स दबा आरंभ करिवे ताहाले नेउथिबा व्यवसायी माने मध्य उच्च दाम रे एहाकु बिकि। नेपाल एते मात्रा रे अर्थनैतिक उन्नति करि नाहि जे जेकोनसी दाम को मध्य एठाकार जनसाधारण किणि देबे। फळरे अनेक गुडिये सामग्री किणिबारु वंचित हेबे नेपाली माने। एवं द्वितीय जेउ घटनाटि रहिछि ताहा हेउछि नेपाल रो उच्चतम सदन को नेपाल रो एक राष्ट्रीय सरकार समन्वय समिति नामक एक समिति पत्र लिखि जणाइछि कि एमिति बहुबार देखा जाइछि कि नेपाल रो सीमारे सबुबेळे एक सुरक्षार वातावरण नै नेपाल प्रशासन चिंतित रहिछि। एबे एही सुमा सुरक्षा पई नेपाल को बॉर्डर बंद करिवाकु पड़िबो। एबे धरा जाउ भौगोलिक सीमा अनुजाई सबुठारु बड़ सीमा नेपाल एवं भारत मध्यरे ही रहिछि एवं अन्य कोनोसी देशर एते बड़ सीमा नाही। चीन रो जदियो सीमा रहिछि किंतु एहा बहुत अल्प अर्थात आज पर्यंत जो भारतीय माने बिना चिंता रे नेपाल गस्त करुथिले एवं नेपाल रे सेभळी कोनोसी आकृतिय दृष्टांत नाही जहाको कहाजिबो कि नेपाल सीमा असुरक्षित बोली एबे एही समिति हठात प्रशासन को एभळी पत्र लिखि सीमा सुरक्षा प्रसंग रे सरकार चिंता करी बॉर्डर को बंद करिबा पई निष्पत्ति नियंतु एभळी एक जो संगीन ए जो पत्र रहिछि एहा पछरे सीधासळख चीन रो ही रणनीति कार्य करुची अपातत एया बुझा पड़ु। तेणु जेकोनसी मुहूर्त रे सीमारे एबे चेकपोस्ट एवं सीमारे तलाशी तदंत आदि इत्यादि घटना देखिबाकु मिलिपारे। प्रथमे नेपाल बॉर्डर रे आपण निजर परिचय पत्र देखाई भितरकु पसी पड़ुथिले संभवतः आगामी दिन रे एहा पई सरकारी कागज पत्र मध्य आहुरी अधिक लागिपारे। जेउ नेपाल किछि दिन पूर्वे भारत को आसी विमान चलाचल पई अनुरोध करुथला कारण
ଭାରତର ଅନେକ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନର ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନେପାଳ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ଚୀନ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲା କି ନେପାଳରେ ଯେଉଁ ବିମାନବନ୍ଦର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହା BRI ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ କିଛି ନେପାଳ ନେତା ମନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହିଁ। ଚୀନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଏକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଜରିଆରେ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଭାରତର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ନେପାଳ ଏବେ ଚୀନର କୋଳରେ ବସି ମଜା ଚାଖିବା ଭୁଲୁନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେପାଳର ଏହି ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ନେପାଳକୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ନେପାଳର ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଜ ପଟରୁ ଜାହିର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହା ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି। ଆଗକୁ ଚାଲି ନେପାଳକୁ କେଉଁ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଅପାତତ ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।